सर आपके कपड़े खराब हो जाए। बेच रहे हो आज भाई? सर ये चिकन बिरयानी बनाते हैं। चिकन बिरयानी है, दिखाना कौन सी है, दिखाओ। क्या बात है भाई, बेहतरीन लग रही है यार। क्या बात है जी जी। और अच्छा, अरे क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये दुबई के मसाले डल गए क्या? अब भाई क्या बात है, क्या बात है। आओ आओ भाई, आपको हिंदी ये यहीं रहते हैं या इनको हिंदी भी आती है? हिंदी आती है जी जी। क्या बात है, तो इन्हीं की शॉप है? जी इन्हीं की शॉप। क्या बात, माशाल्लाह भाई। लगाए लगाए, 50 की लगाए। हाँ जी बताइए। 50 की लगा दीजिए शेख साहब। बिरयानी ये लजीज बिरयानी जी जी, दुबई की। आपके तो मसाले बहुत ज्यादा फेमस है, सुनने में आ रहा है। दुबई के मसाले लगाते हैं? कहाँ से बना रहे हो मसाले? दुबई के मसाले मंगवाता हूं। ये दुबई के मसाले? अच्छा दुबई के मसाले। आपने लजीज बिरयानी है, जो खाए याद ही रखता है। अच्छा जी, दोबारा नहीं जाता। तो सर ये कब से शुरुआत करी है आपने? 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो गए। तो ये जो लुक है काफी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपका मतलब क्या, ये आपका जज्बा है कि इस तरीके से रहना है? ये शुरू से मेरा ऐसे ही, ये इसी तरीके का शौक है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बिरयानी का शौक कैसे पड़ा इस लुक के साथ? मैंने वहाँ से शेख से खाई थी बिरयानी, उसने मुझे बताया। अच्छा। अपनी दिल्ली के अंदर बिरयानी बेचने का। अच्छा क्या, तो आप दिल्ली के रहने वाले हो या दुबई के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के, तो वहाँ मेरा फ्रेंड रहता है। अच्छा फ्रेंड रहता है, मुझे बताया था। अच्छा हमारी बिरयानी फेमस करो। क्या बात है, मसाले यहाँ से लेकर जाइए। अच्छा आप दिल्ली वालों को खिलाइए, उनका दिल जीती और डबल। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गया। और वो तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिए अपना। हमारा एड्रेस है 12 6 8 0 4 1 पक्की गली। अब मेरा है वसीम कुरैशी। वसीम कुरैशी भाई साहब, भाई मजा आ गया, जो बिरयानी के साथ साथ आपके लुक के साथ मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो लगाए हमारे लिए बिरयानी, लगाए जबरदस्त वाली। जरूर इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, शेख साहब की बिरयानी मजा आ गया। सर आप, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, आप इधर आ जाइए। शेख साहब अपने, सर आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। ये लजीज बिरयानी लग चुकी है। क्या बात है शेख साहब, ये मेरी लाल वाली चटनी है। लाल वाली चटनी ये भी दुबई की है। तो इसमें क्या क्या डला हुआ लाल वाली चटनी में? इसमें अफगानी मसाले लगे हुए। अफगानी, अफगानी मसाले। तो अफगानी तो तालिबानी हो गया, उसका कुछ लॉजिक तो वो है ना, शेखो ने यही बताया। अच्छा अच्छा, नाम दिया। अच्छा नाम दिया है। ये रायता नहीं, ये खत्म हो चुका है। अच्छा रायता फिनिश। क्या बात है, ये लजीज बिरयानी है, आप खाइए। क्या लगाइए, लगाइए जी लगाइए। तो भाइयों आ चुकी है हमारी एक मसालेदार बिरयानी, जो कि हमारे शेख साहब ने लगाई है। बेहतरीन भाई, मजा आ गया। शेख साहब हमारे बिरयानी लगा रहे हैं। शेख साहब आ गए, और शेख साहब के साथ हमारे भाई भी हैं जो इनका हाथ बटाते हैं। बाकी इनकी दुबई में भी शॉप है और यहाँ पे भी शॉप है। तो शेख साहब जी कुछ बताइए अपने बारे में। दुबई से मसाले लेकर आता हूँ, लेबर काम करती है, सारा काम मैंने इनसे सौंप रखा है। अब यही बिरयानी बनाते हैं, मैंने ही इनको ऑर्डर दिया है। मैंने इनसे ये कहा कमाओ, अभी बच्चों के लिए कुछ बनाओ बिरयानी से, और आगे फेमस करो अपनी जगह जगह पर अपनी फेमस बिरयानी नौशाद नाम से। शेख साहब आपको मैंने हिंदी बड़ी अच्छी आती है, मैंने क्या बात, क्या ये क्या ये थोड़ा दुबई चले गए तो बल्ला शेखों के साथ बैठने के बाद हमको थोड़ी अरबी आ गई। अच्छा अच्छा, थोड़ी अरबी आ गई, मतलब हो आप हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी हूँ पक्का, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी वाले शेख हो आप? हिंदुस्तान वाले। सारा बीच बात की सर्दी भी आ गई, सारी लड़ाई हो गई थी, एसी मारे ना सारे कुए पेट्रोल के साथ बेचे। मुंबई में इनकी बीवी है, उनका निकल दूसरे से हो गया। अपनी स्पेशल दिल्ली की बिरयानी है ये नौशाद भाई की, जो कि है बाड़ा हिंदू राव में, जो ये पड़ता है दिल्ली 6 में। किसी अगर कोई मेट्रो से आता है तो पुलवंगस मेट्रो स्टेशन उसके पास पड़ेगा। और बाकी बाड़े में जाओगे पूछो किसी से भी नौशाद भाई की बिरयानी, कोई भी आपको बता देगा। बाकी हम लोग आपको जायका टेस्ट करके बताते हैं। अभी हमने लगाया वाटर, वाटर को हम फिनिश करेंगे और उसके बाद आपको रिव्यू देंगे कि वाकई में नौशाद भाई का नाम चल रहा है। शुरू करते हैं पहले निवाले से, ये बन गया इनके बाद। थोड़ा रायता खत्म हो गया, टाइम 4 बज रहे हैं ना, इस वजह से रायता खत्म हो गया, तो टमाटर की चटनी दी है। ये शुरुआत करते हैं भाई इस निवाले से। भाई वाकई में जो नाम है उसका काम है भाई, एक्चुअल में सही है। मसाले भी इंटेंट करे थे और किले किले चावल है अच्छी तरीके से, राइस कुकड है, और बाकी चिकन के पीस के साथ खाते हैं। ये हम खाएंगे थाई का पीस, ये रहा भाई थाई के पीस के साथ खाते हैं। थाई का पीस वाला
बताओ।